नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 के टॉप 10 न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बसों को लेकर आज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। और कोरोना वायरस के अपडेट साथ में जो अन्य खबरें उस पर हम आपको जानकारी देंगे। आज मुख्यमंत्री हिमाचल द्वारा डिस्ट्रिक्ट के सभी SP और DC से बातचीत की गई, क्या आदेश सरकार ने आज उनको दिए उस पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त खबरें और भी होगी, उन पर हम आपको जानकारी देंगे। आज का सवाल है आपके लिए, सरकार द्वारा 1.5 गुना बसों का किराया बढ़ाना क्या सही है या गलत है? इस पर आप अपनी राय हमें दीजिएगा। और उसके बाद न्यूज वेबसाइट पर हम आपको इसका जो आपकी जो पोलिंग होगी इसका रिजल्ट हम आपको बताएंगे। तो आज का सवाल है आपके लिए, सरकार द्वारा 1.5 गुना बसों का किराया बढ़ाना सही है या गलत है? इस पर आप हमें अपनी राय दीजिएगा कमेंट करके। आज की पहली खबर है, कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर में तीसरी मौत हुई। हमीरपुर जिले के भोटा में नेहरचुक मेडिकल कॉलेज मंडी रेफर एक 52 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए तीसरा झटका है। इससे पहले 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते, और आज इन 52 वर्षीय व्यक्ति की जो मृत्यु वो कोरोना वायरस के कारण हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी बुरी खबर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी रात, 4 महीने का टैक्स माफ। सरकार ने सार्वजनिक सेवाएं, वाहनों, मालवाहक वाहनों, शिक्षण संस्थानों की बसों, निजी सेवा वाहनों को टोकन टैक्स और पैसे रोड टैक्स में छूट दी है। ये छूट 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक दी गई है। इसके अलावा जिन ट्रांसपोर्टरों ने मार्च माह में टैक्स जमा नहीं करवाया, वे अगस्त माह तक टैक्स भरवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। आज की अगली खबर है, कर्फ्यू ढील के बाद भी काम कर सकेंगे विकास कार्यों में लगे मजदूर। आपको बता दें, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट के सभी DC और SP से बातचीत की गई, और उन्होंने आज सभी DC और SP को ये निर्देश दिए कि जो भी लोग विकास कार्यों में लगे हुए उनको जो कर्फ्यू में ढील का समय है उसके अतिरिक्त भी टाइम दिया जाए। ये बड़ा ऐलान आज मुख्यमंत्री हिमाचल द्वारा किए गए, इस पर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि लंबित कार्य को समय से पूरा करने के लिए PW जल शक्ति पंचायती राज विभाग और मनरेगा मजदूरों को कर्फ्यू में ढील की अवधि के बाद भी काम करने की छूट दी जाए। साथ ही केंद्र द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद वित्तीय गतिविधियों को शुरू करने के लिए बैंक कर्मियों को भी कर्फ्यू के दौरान आवागमन की छूट दी जाए। तो ये बड़ी खबर है, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी DC और SP को यह निर्देश दिए। आज की अगली खबर है, अस्पताल स्टाफ ने बना डाली सैनिटाइजर मशीन, 25,000 लागत। खबर है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। कोरोना महामारी के इस दौर में अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने 12 घंटे में सैनिटाइजर मशीन तैयार कर दी है। देसी तकनीकी से इस मशीन को बनाने में 25,000 रुपए खर्च हुए। मशीन अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तमाम रिश्तेदारों को सैनिटाइज करेगी। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। उसके बाद आज की अगली खबर है, मुंबई से हिमाचल के ऊना लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से लौटा ऊना जिले के हरोली का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस युवक को हरोली के पलकवा स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तो ये आज की बड़ी खबर है, ये मुंबई से युवक लौटा था, आज रिपोर्ट इसकी आई और ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश के लिए और लगा है। आज की अगली खबर है, 1.5 गुना किराया बढ़ाकर हिमाचल में बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी। खबर है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सरकार अब 1.5 गुना किराया बढ़ाकर हिमाचल में बस सेवाओं को शुरू करने की तैयारी कर रही है। और आपको बता दें, सभी बसों को चलाने का ये प्लान हिमाचल प्रदेश सरकार अब कर रही है। इसको लेकर बड़ी अपडेट सारी एक अधिकारी द्वारा इसकी स्पष्ट जानकारी आज दी गई। उन्होंने कहा कि अगर 50% बसों को हिमाचल प्रदेश सरकार चलाती तो बसों में भीड़ होगी और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। तो हिमाचल प्रदेश में सभी बसों को चलाया जाएगा और उसमें जो किराया वो 1.5 गुना ज्यादा किया जाएगा बढ़ा के। आज की अगली खबर है, कर्मचारियों और आम लोगों को रात, अब IGMC में बनेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। एक बड़ा फैसला आज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ले गया और आड़ी धुआन द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी कि कर्मचारी और आम लोगों को रात अब IGMC में बनेंगे सर्टिफिकेट। इससे पहले आपको बता दें, सर्टिफिकेट बनना बंद हो गए थे और
आज वो रात हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपके लिए फिर से दे दी है। कोरोना का साया, हिमाचल में पंचायत चुनाव टालने की तैयारी। एक बड़ा बयान आज पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते हो सकता है कि पंचायत के जो चुनाव है ये ना करवाए जाए। और इस पर आपको बता दें, जून में फिर से सरकार विचार करेगी अगर स्थिति स्पष्ट होती है। अगर स्थिति कुछ इसमें बदलाव होता है, जिस प्रकार से माहौल आज हिमाचल में या भारत में बना हुआ कोरोना वायरस के चलते, अगर इसमें कोई अंकुश लगता है कोरोना वायरस पर, तो संभव है कि पंचायतों के जो चुनाव है वो इस साल के अंत तक हो जाएगी। अगर कोरोना वायरस पर कोई भी वैक्सीन या कोई अंकुश नहीं लगता है तो फिर हो सकता है ये जो चुनाव है कि इस साल ना हो पाए। तो ये बड़ी खबर है उन प्रतिनिधियों के लिए, उन लोगों के लिए जो पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद खबर उन लोगों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए, चाहे वो किसी भी स्टेट से है। अगर आपको इंतजार था हिमाचल प्रदेश सरकार आपको अपने घर भेजेगी, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। बाहरी राज्यों में लोगों को भेजने का खर्च नहीं उठाएगी हिमाचल सरकार। बड़ा बयान आज सरकार द्वारा दिया गया कि जो भी लोग हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के काम करने के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए आए थे या किसी भी कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश में आए थे, चाहे वो स्टडी के लिए थे या किसी भी काम के लिए, तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक आज बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अब जो भी लोग राज्य में फंसे हुए हैं बाहरी राज्यों के, उनका खर्चा सरकार नहीं उठाएगी। अगर आपको जाना है तो सरकार आपका प्रबंध कर सकती है, परंतु जो खर्च है वो आपको स्वयं उठाना पड़ेगा। आज की अगली खबर है, हिमाचल के सिर्फ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अब 31 मई तक करें आवेदन शेड्यूल जारी। आज एक बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश के सिर्फ विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा दी गई है, जिसमें जो प्रवेश के लिए आपके आवेदन की अंतिम तिथि थी उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब 31 मई 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, प्रवेश के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। आज की अगली खबर है, लॉकडाउन में बाहर से कामगार बुलाकर उद्योग ने तोड़ा नियम, केस हुआ दर्ज। खबर है सोलन से, एक टेक्सटाइल उद्योग ने आज बाहर से मजदूरों को, कामगारों को बुलाकर अपना काम शुरू किया, परंतु बुरी खबर उनके लिए कि आज उन पर केस दर्ज किया गया। हिमाचल के सोलन जिला के नालागढ़ में एक टेक्सटाइल उद्योग के खिलाफ बाहर से कामगार लाकर काम करवाने और सरकार व प्रशासन के नियम तोड़ने पर मामला दर्ज किया गया। आज की अगली खबर है, सैनिक स्कूल ने लॉकडाउन में प्रति छात्र मांगी 1.25 लाख रुपए फीस। भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन हमीरपुर जिले के सुजानपुर में चल रहा सैनिक स्कूल बच्चों से एक साथ 1.25 लाख रुपए स्कूल की फीस वसूल रहा है। सैनिक स्कूल सुजानपुर बोर्डिंग स्कूल है, जहां बच्चों के रहने, भोजन, वर्दी और किताबों की व्यवस्था स्कूल प्रशासन की तरफ से की जाती है। स्कूल में 19 मार्च के बाद भी परीक्षाएं बंद है, सभी बच्चे अपने घर पर है। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने 1,24,000 रुपए की सालाना फीस में 28,000 रुपए भोजन तथा 1,600 रुपए तैराकी समेत विभिन्न खर्चे के वसूलने के लिए अभिभावकों को मोबाइल पर मैसेज भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर है आज सैनिक स्कूल सुजानपुर की। आज की अगली खबर है, सचिवालय के बाद विजिलेंस ने सैनिटाइजर बनाने वाली फर्म से भी तलब किए दस्तावेज। अब विजिलेंस की आपको पता होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा 50 रुपए के जो मास्क है उनको सचिवालय में 150 रुपए में बेचा गया, और इस पर आप विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है। और अब जो कंपनी है उसके जो दस्तावेज है वो भी विजिलेंस ने तलब कर लिया है, और विजिलेंस अब जानना चाहता है कि जो मास्क निकले बनकर निकले थे उसकी वास्तविक जो वैल्यू थी, प्राइस था, उसका क्या था। और इसके साथ बहुत से सवाल है उसका विजिलेंस अब जांच कर रही है। तो बड़ी खबर है ये। आज की अगली खबर है, कोरोना वायरस वैक्सीन पर बड़ी कामयाबी, बंदरों में विकसित हुई एंटीबॉडी, अब इंसानों पर हो रहा है ट्रायल। आज की ये बड़ी खबर है, सबसे पहले हम आपको अपडेट इसकी दे रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने समाचार एजेंसी रोड से बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर काम चल रहा है उसके शुरुआती निष्कर्ष आश्चर्यजनक है। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया गया कि ये काम कर रही। अब इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है, साथ ही आने वाले दिनों में कुछ अन्य वैज्ञानिकों से इस वैक्सीन का रिव्यू करवाया जाएगा। तो ये कोरोना वायरस पर बड़ी खबर है आज की। आज की खबर उन लोगों के लिए जो डेली कमेंट करते कि हमें कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही है, उनके लिए अब एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देने वाले लघु उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही फिलहाल नहीं सुप्रीम कोर्ट। जो भी छोटे उद्योग है उन पर कोई भी कार्यवाही सरकार नहीं कर सकती, ऐसे आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए है जो सैलरी नहीं दे पा रहे। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि कोविड 19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान
कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ कंपनी और नियोक्ताओं के खिलाफ अगले सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाए। और शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हो सकती है जिनकी आमदनी नहीं हो रही हो, वे पूरा पारिश्रमिक देने में असमर्थ हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है आपके लिए। उसके बाद आज की अगली खबर है प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा निगरानी करना और रोकना असंभव है। जो भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे उनके लिए बड़ी खबर है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि देश भर में प्रवासी मजदूरों की गतिविधियां निगरानी करना या उन्हें रोकना असंभव है। अदालत ने कहा कि सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि देश भर में प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य के लिए परिवहन उपलब्ध कराए जा रहे, लेकिन उन्हें पैदल चलने की बजाय अपनी बारी का इंतजार करना होगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी जिला अधिकारियों से फंसे हुए प्रवासी कामगारों की पहचान करने और उनके लिए मुफ्त परिवहन सुनिश्चित करने से पहले आश्रय भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाले एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर है हिमाचल में 50% नहीं सभी बसें चलाने का प्रस्ताव। हिमाचल में 50% बसें नहीं बल्कि सभी सरकारी और निजी बसों को चलाने का प्रस्ताव है। परिवहन विभाग और निगम के अफसरों ने सरकार को स्थिति स्पष्ट की, अगर 50% बसें चलाई जाती है तो इससे बसों में सवारियों की भीड़ बढ़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं हो पाएगा। तो अब 1.5 गुना किराया बढ़ाकर हिमाचल में बस सेवा शुरू करने की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।